नीतीश कुमार के शोषक पर ठुकराने और लालू प्रसाद का नाम आगे करने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश को एनडीए गठबंधन में अपमानित किया गया है, तो आरजेडी ने कहा कि लालू प्रसाद विपक्षी एकता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, तो कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है। अब जो भी हो रहा है भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। सब लोगों ने यह संकल्प लिया है कि एकजुटता के साथ 24 की लड़ाई लड़नी है, देश और लोकतंत्र संविधान को बचाना है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी तो गैर भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट रहे हैं। इंडिया गठबंधन में एक तरफ सारे पाखंडियों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपमानित करने का काम किया। कभी कोई कांग्रेस के ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेनिंग वाले युवराज को कोई मटन पकाना सिखा रहा था, कोई ब्याह करा रहा था, और कोई जो है खड़गे साहब को संयोजक बना रहा था। तो नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं जमीर जगा होगा, चूंकि जमीर मार करके कितना दिन अमीर बने रहते, तो हो सकता है कि जमीर जग गया हो और उसके बाद जो है इन्होंने ठुकरा दिया है। लालू जी ही और नीतीश जी सबके सर्वमान्य और स्थापित नेता है महागठबंधन के। यह है कि महागठबंधन में वही नेता बनेगा जो सबकी सहमति से बनेगा, सबको स्वीकार्य होगा। तो इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई और इसमें क्या कुछ कैसे तब्दीलियां हुई, कैसे परिस्थितियां बदली, वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो नीतीश को संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया जो एनडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक हुई। प्रस्ताव तो जरूर रख दिया गया, लेकिन नीतीश ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। नीतीश ने लालू प्रसाद का नाम आगे बढ़ा दिया। नीतीश कुमार ने मीटिंग में कहा लालू प्रसाद सबसे ज्यादा वरिष्ठ, लालू प्रसाद को ही संयोजक बनाना चाहिए। नीतीश एनडीए गठबंधन के सूत्रधार हैं, लगातार विपक्षी एकता की मुहिम में वो लगे हुए हैं। आखिर नीतीश ने संयोजक का प्रस्ताव क्यों ठुकराया, ये सवाल लगातार बना हुआ है। नीतीश संयोजक पद से दूर क्यों भाग रहे हैं, सवाल जिस तरीके से सामने आए, और ऐसे में नीतीश के फैसले पर अटकलों का बाजार कर रहे हैं। क्या नीतीश सारे विकल्प खुला रखना चाहते हैं, सवाल ये है। क्या नीतीश कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सवाल ये भी है कि क्या गठबंधन में सक्रियता नीतीश कुमार नहीं दिखाना चाहते हैं और इसी वजह से वो थोड़े अलग थलग रहना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के रवैये से नीतीश की नाराजगी है, सवाल ये भी है। और क्या नीतीश बिहार की सियासत पर फोकस करना चाहते हैं और इस वजह से प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर चुनाव में एनडीए गठबंधन हारती है तो ठीकरा संयोजक पर फोड़ा जाएगा, क्या इन्हीं बातों को लेकर नीतीश ने किनारा कर लिया, सवाल ये भी है। संयोजक पद को लालू के पाले में है नीतीश क्यों डाल रहे हैं, और इसके भी कई जो मायने हैं वो निकालने की कोशिश हो रही है और वो मायने निकाले जा रहे हैं।